जब आने वाले समय में पूर्ण आनंद के साथ आप विराजमान हो जाएं, तब अपने स्कूलों की पढ़ाई में, भारत के पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत, गीता इनको जोड़ देना चाहिए। भारत के पाठ्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के दिल में राम कृष्ण, क्योंकि हमने जो पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, हमने जो पढ़ा केवल ये पढ़ा, औरंगजेब कौन था, बाबर कौन था, हमने जो पढ़ा वो हमने केवल उनको पढ़ा। आने वाले भारतीय पाठ्यक्रम में, भारत की इस विद्या में रामायण, गीता और महाभारत होना चाहिए, जिससे नवयुवक बच्चे पढ़कर विद्वत हों कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, भगवान राम का आनंद क्या है, वन जाने पर उन्होंने किससे मिलन किया, शबरी के दरवाजे पर बैठकर झूठा बेर खाया, ये पाठ्यक्रम में होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में वो चीज पहुंचना चाहिए। पाठ्यक्रम में पहले जब हम छोटे थे उस समय पर लिखने को आता था गाय का निबंध। आपको आता था कि नहीं आता था, जम के बोलो जरा। पहले छोटे थे तो लिखने को आता था गाय का निबंध, गाय का निबंध हम लिखते थे। गाँव माता के चार पांव होते हैं, दो सींग होते हैं, लंबी पूंछ होती है। गाय के ऊपर हम मनन चिंतन करते थे कि और क्या क्या लिख सकते हैं। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है? अब पाठ्यक्रम में से गौ माता का निबंध हटा दिया। दूसरा निबंध लिखो, मैडम हेरी का निबंध लिखो। फिर लिखा चार्ली का निबंध लिखो, फिर उसका निबंध लिखो, कोई राजनेता का निबंध लिखो, कोई सत्ताधारी का निबंध लिखो। कोई राजनेता का निबंध लिखवा रहा है, कोई सत्ताधारी का निबंध लिखवा रहा है, कोई किसी का निबंध लिखवा रहा है। हमारी गौ माता को सो पाठ्यक्रम में से निकाल कर बाहर कर दिया। पहले छोटा छोटा बच्चा जब गौ माता का निबंध लिखता था तो गाय के प्रति प्रेम जागृत होता था, तो दरवाजे पर आई हुई गाय को एक रोटी देकर भेजता था। अब वो प्रेम जागृत नहीं है। अब हम कह रहे हैं गौ माता की रक्षा करो, बच्चों से कह रहे हैं गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की सेवा करो, बच्चों के अंदर अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही है। कुत्ते के प्रति फीलिंग आ रही है पर गाय के प्रति बच्चों के अंदर फीलिंग नहीं आ रही है। बिल्ली के प्रति, कैट के प्रति, डॉग के प्रति उनकी फीलिंग आ रही है पर गौ माता के प्रति फीलिंग नहीं आ रही। उन्होंने तो सोच लिया गाय दूध देती है, बस अपने यही काम में आती है, और गाय दूध देना बंद कर दे तो घर से निकाल दे। मैं पूरे महाराष्ट्र को धन्यवाद देता हूं कि आपके यहां साल में एक बार बेल की पूजन होती है जिसको पोला कहते हैं। आज भी भले ट्रैक्टर आ गए फसल बोने के लिए, ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, ट्राली आ गई, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, पर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर इसलिए कहते जय महाराष्ट्र, इसलिए कहते जय महाराष्ट्र क्योंकि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पोला के दिन बेल की पूजन होती है, बेल को खड़ा कर कर पूजा जाता है। आज भी किसान भले ट्रैक्टर रख लेगा, किसान ट्राली रख लेगा, पर वो बेल जरूर रखता है क्योंकि हमारे घर की पूंजी है ये नंदी, ये बेल, ये धर्म का प्रतीक है, इसकी पूजन होना चाहिए। भूल जाए दुनिया में सब दूर जाओ, और बड़े बड़े संतों से भी कहेंगे हम, साधुओं से भी कहेंगे, गुरुओं से भी कहेंगे, तुम दुनिया में बहुत सारी जगह जाना पर एक बार महाराष्ट्र की धरा पर आकर देखना, जो संत का सम्मान महाराष्ट्र करता है उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। जो संत का सम्मान, साधु का सम्मान, गुरुजन का सम्मान जो महाराष्ट्र करता है वो कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे गांव में चले जाओ तो मांगने वाला जो
कपड़े भी बदल कर मांगने आ जाता है तो गांव के लोग उसके भी पांव पड़ लेते हैं, बाबा जी आए हैं, बाबा जी। और बड़े बड़े शहर में चले जाओ, अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान पंडित और महाराज भी चले जाए तो पैसे वालों को लगता है मांगने के लिए आया होगा। अंतर है, शहर में संत को भी मंगता समझा जाता है और गांव में मंगते को भी संत समझा जाता है। यह रीति है, ये रीत है। बड़े बड़े शहरों में कोई संत कोई साधु सन्यासी चले जाए किसी के घर में तो लगेगा मांगने आया होगा, कुछ लेने आया होगा। गांव में कोई मंगता भी चले जाए, भैया दे दो दे दो, उसको भी संत समझते, बाबा जी बैठो भोजन करो, प्रणाम करा, नमन करा, साधुता। क्योंकि ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि संतों की भूमि है। संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, मुक्ताबाई, ये पवित्र भूमि कोई साधारण है? जिस भूमि पर संतों ने जन्म लेते रहे और इस पवित्र भूमि से ऐसा ज्ञान दिया कि दुनिया का कोई व्यक्ति उसको बस केवल धारण कर ले। संत ज्ञानेश्वर एक बार बैठे हुए थे, संत ज्ञानेश्वर बैठे हैं, एक महिला आ गई संत ज्ञानेश्वर के पास, संत ज्ञानेश्वर जी के पास में एक महिला आई, आकर अपने बेटे को साथ में लेकर आई और संत ज्ञानेश्वर जी के पास में आकर बोली, बाबा जी बाबा जी। बाबा जी बोले, क्या बात, क्या हुआ? मेरा बेटा जो खाता है वोमिटिंग कर देता, उल्टी कर देता, पछता नहीं। बाबा जी इसके लिए कुछ बता दो। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मैं कल उत्तर दूंगा, तुम ले जाओ। बेटे को लेकर मां चली गई, बेटे को लेकर मां गई। दूसरे दिन मां फिर आ गई, बाबा जी मेरा बेटा कुछ भी खाता है उल्टी करता है। संत ज्ञानेश्वर ने उस मां के बेटे को अपने पास में बुलाकर कहा, बाबू आप मीठा ज्यादा खाते हो, गुड़ ज्यादा खाते हो? उस बच्चे ने मुंडी हिलाकर कहा, हां गुरुजी मैं गुड़ ज्यादा खाता, अब मत खाना, हो आज से गुड़ खाना बंद कर दे तू, अब तो नहीं खाएगा मीठा ज्यादा, क्योंकि तू मीठा ही मीठा खाता है तो तेरे शरीर में मिर्ची कोई काम नहीं कर रही, नमक काम नहीं कर रहा, अब तो नहीं खाएगा? नहीं, उसने मुंडी ला। महिला को गुस्सा आ गया, महिला को गुस्सा यह आया कि बताओ इतनी सी बात बोलना थी तो मैं कल आई थी, जब ही बोल देते, जब इतनी सी बात मेरे बच्चे को बोलना था कि गुड़ मत खाओ, इतनी सी बात को बोलने के लिए दूसरे दिन बुलाने की जरूरत क्या थी? इतना पैसा लगा कर आई, पैदल चलकर इतनी दूर आई, बताओ इतने बड़े महात्मा जी हैं, बोलना ही था तो कल क्यों नहीं बोला? महिला के मन में ये बात पेट में दुख रही थी तो महिला ने कह दिया महाराज जी से, महाराज जी संत ज्ञानेश्वर बैठे थे और कहा, महाराज जी मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। संत ज्ञानेश्वर ने पूछा, कौन सी? ये बात आपने मेरे बच्चे से कहा कि गुड़ मत खाना, ये बात आप कल नहीं बोल सकते थे, मुझे आज बुलाया बोलने के लिए। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा महिला से, माँ तू कल जब बच्चे को लेकर आई थी ना, मेरे पास में कटोरा भर के गुड़ रखा हुआ था, मेरे पास में गुड़ रखा हुआ था और मैं तेरे बच्चे को खाने के लिए मना करता तो तेरे बच्चे के दिल में आता गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर, गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर रहे। इसलिए संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मां तेरे जाने के बाद कल से मैंने इस गुड़ का त्याग कर दिया था, क्योंकि मैं पहले छोड़ूंगा तब तो बच्चा छोड़ेगा, हम सुधरेंगे तब तो युग सुधरेगा। ये संत हैं महाराष्ट्र के, ये पवित्र भूमि के संत हैं, साधु हैं, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई साधारण है क्या? पहले खुद छोड़ो तब दूसरे को कहो। पहले खुद छोड़ो फिर दूसरे से कहो। अपनी जिंदगी पर जो बीता होता है और शंकर ने जो दिया होता है वही आप लोगों के बीच में परोसा जाता है।
हमने भी हमारी जिंदगी में बड़ा दुख देखा, हमारे पिताजी ने भी दुख देखा, माता ने भी दुख देखा, वो दुख देखते देखते जो शिव ने साथ दिया आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। उस समय पर बाबा भोलेनाथ जब हमको साथ दे सकते हैं तो क्या आपको नहीं दे सकते, क्या आपको नहीं देंगे? पहले खुद भजन करो।